दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों अभी मैं एक ऑडी के शोरूम में आया हुआ हूँ लॉस्ट ऑफ में। तो यहाँ पर हम लोग कुछ कार देख रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहें और देखें किस तरह का यहाँ कार मिलता है, क्या उसका प्राइस है। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। दोस्तों यूके में कार खरीदना बहुत आसान होता है और यहाँ पर कार खरीदने के लिए आप किसी भी शोरूम में जा सकते हैं। और यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि ऑडी के शोरूम में दूसरे भी यूज्ड कार्स बिकते हैं। हमने जो है ऑटो ट्रेडर करके एक वेबसाइट में हम गए और वहाँ पर हमने कार सर्च किया और ऑडी का हमने कार वहाँ पर फाइनलाइज़ किया, ऑडी Q5। और हम वहाँ यहाँ जो पास में जो शोरूम था लॉस्ट ऑफ में, हम वहाँ के शोरूम में गए। आप यहाँ देख सकते हैं कई सारी गाड़ियाँ, जो कि ये 5 लाख की गाड़ी है वॉल्सवैगन की, जो सिडान एक कार है। उसी के बाजू में दूसरी एक वॉल्सवैगन की गाड़ी जो पार्क थी वो करीब करीब 9 लाख की गाड़ी थी। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये सारी गाड़ियाँ वहाँ यूज कार्स पार्क थी, जो लोग हैं वहाँ जाके। ये आप देख सकते हैं ये 15 लाख की गाड़ी आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये फोर्ड की गाड़ी है। और उस कार को आप जस्ट एडवांस दे करके रिजर्व कर सकते हैं और बाद में सारे प्रोसेसेस कर सकते हैं। यूके में कार खरीदना इतना आसान है, ये देख सकते हैं आप 7 लाख की पीजो की गाड़ी है। इतना आसान है कि आपको सिर्फ इसका 10% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है, बाकी का पूरा फाइनेंस में आप गाड़ी खरीद के घर ले जा सकते हैं। और तो और आपके पास लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए, आप इंडियन लाइसेंस में 1 साल तक यहाँ पर गाड़ी भी चला सकते हैं। हमने जो गाड़ी फाइनलाइज की है वो एक ऑडी Q5 है और वो ब्लैक कलर की आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसकी कीमत करीब करीब देखिए आप 24 लाख रुपये की गाड़ी हमने फाइनलाइज की है। और इस गाड़ी के लिए हमने 500 पाउंड का एडवांस भी दिया है। कई सारी वहाँ ऑडी गाड़ियाँ और भी पार्क थी और ये सारी गाड़ियाँ बहुत ही वेल मेंटेन्ड रहती है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ रोड्स बहुत अच्छी होती है, इसीलिए गाड़ियों का लाइफ काफ़ी होता है। और आप गाड़ी वहाँ पर, ये क्योंकि ऑडी का शोरूम है, ये जितनी भी गाड़ियाँ बेस्ड हैं सारे ऑडी अप्रूव्ड गाड़ियाँ होती है और ये इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आती। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कई सारी और भी ऑडी की कार्स जो सिडान कार्स है वो पार्क्ड हैं और बहुत ही खूबसूरत मेटालिक कलर्स में ये सारी गाड़ियाँ वहाँ पर थी। आप देख सकते हैं ये जो सिडान ऑडी का जो कार है, इसकी जो आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी खूबसूरत फिनिश है। और ये सारी गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क थी, लोग वहाँ पर घूम रहे थे और इन गाड़ियों को सेलेक्ट कर रहे थे और वो फिर बात करके उन गाड़ियों को खरीद सकते थे। उसके दूसरे ही तरफ रॉबिनसन का जो है वॉल्सवैगन का भी एक शोरूम था। आप देख सकते हैं करीब ये 21 लाख का एक सिडान जो वॉल्सवैगन का यहाँ पर कार है। इस तरह के और भी वहाँ पर कई सारे कार लोग मैंने देखा आज। और आप देख सकते हैं ये करीब करीब 30 लाख की ये गाड़ी है, 30,50,000 की। इस तरह के कई सारे वॉल्सवैगन के वहाँ पर कार पार्क थे और लोग जो है सेलेक्ट कर रहे थे। और ये जो गाड़ी जो है 30 लाख की जो गाड़ी है वो 7 सीटर काफ़ी बड़ी ये गाड़ी थी वहाँ पर हमने जो देखा था। यूके में अगर हम यूज्ड कार्स खरीदते हैं तो हम लोगों को MOT यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के वेबसाइट से सारा कार का डिटेल हमें मिल जाता है। और ये जो है इसमें कार पास हुई थी, कब कब इसकी पासिंग हुई थी। अगर यहाँ यूके में अगर एक कार का कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे दोबारा ठीक करके MOT से हमें पास करवाना होता है। तो इसीलिए अगर हम प्लेट नंबर डालते हैं तो MOT के द्वारा हमें यूके में जिस कार की है पूरी की पूरी जानकारी, यानी शुरू में जब से मैन्युफैक्चर की गई है और कितने बार उसकी पासिंग हुई, ये सारी जानकारियाँ हमें आराम से मिल जाती है। इसीलिए यूके में यूज्ड कार खरीदना बहुत आसान होता है। आप ये देख सकते हैं ये वॉल्सवैगन का एक कार है जो कि करीब 20 लाख का है, ये भी एक यूज्ड कार है। लेकिन अगर हम इसका प्लेट नंबर MOT के गवर्नमेंट वेबसाइट में डालेंगे तो आपको इसका जो है, जैसे जो प्लेट नंबर है GL69VLD, अगर ये हम प्लेट नंबर गवर्नमेंट वेबसाइट में डालते हैं तो इस कार की पूरी हमें हिस्ट्री मिल जाती है, कितने बार इस कार को पास हुआ और कितने बार इस कार का एक्सीडेंट हुआ, इस सारी डिटेल्स हमें उसमें मिल जाती है। इसीलिए यूज्ड कार
खरीदना यूके में काफ़ी सेफ होता है और अच्छी गाड़ियां जो हैं यूके में हमें यूज्ड कार्स के शोरूम में मिल जाती हैं। तो हम भी इसी तरह के एक शोरूम में यहां पर आए हुए थे और अलग अलग गाड़ियों को देख करके हम लोग पहले तो काफ़ी कन्फ्यूज थे कि कौन सी हमें गाड़ी लेनी है। फिर हमने ऑडी Q7 को फाइनलाइज किया। ये गाड़ी आप देख सकते हैं वॉल्सवैगन का जो है, जो करीब 24 लाख की गाड़ी है। ये भी बहुत अच्छी एक गाड़ी थी जो हमें अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये भी 7 सीटर के करीब एक गाड़ी थी। तो इस तरह की कई सारी वहाँ पर गाड़ियाँ थी जो कि हम लोग ने आज देखा। ये जो गाड़ी है करीब 27 लाख की गाड़ी है। ये सारी यूज्ड कार्स है जो कि 2 या 3 साल पुरानी कार्स हैं और इसकी सारे हमें हिस्ट्री जो है हमें पता चल जाता है। इसीलिए यूज्ड कार्स खरीदना यहाँ पर काफ़ी सेफ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप नए हैं और यूके में गाड़ियाँ खरीदनी चाहते हैं तो आपको यूज्ड कार ही खरीदना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा आप एक बार फैमिलराइज होने के बाद में आप नई गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। अक्सर लोग ऐसा सलाह देते हैं लोगों को। तो आप किसी भी शोरूम में जा करके अपनी गाड़ी पसंद कर सकते हैं। मैं कभी भी ऑनलाइन गाड़ी खरीदने का उतना पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन गाड़ी में आपको कलर और वगैरह सारी चीज़ें पता नहीं चलता। आप ऑनलाइन गाड़ी ज़रूर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले गाड़ी लेने से पहले उस गाड़ी को एक बार देखना ज़रूर होता है। और लेकिन आप शोरूम पर ये विश्वास कर सकते हैं कि वो जो बोलेंगे उस पर वो कभी भी मतलब उसमें वो खरा उतरते हैं और वो सारी चीज़ें वो पूरा करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस शोरूम में जब हम आए थे काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ थी। और अक्सर हम यूके में देखते हैं कि लोग जो हैं जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी बेचते और ख़रीदते रहते हैं। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग शौकिया तरीके से जो है नई गाड़ियाँ भी बेच देते हैं। तो ऐसी गाड़ियाँ हमें अच्छे प्राइस में मिल जाती है, जो कि हम भी कुछ दिन चला करके फिर इसे दोबारा हम बेच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये यूके का जो शहर है कितना सुंदर, कितना खूबसूरत शहर है। ये दूर से आप देख सकते हैं जो शोरूम है, जो कि रॉबिनसन का एक शोरूम ऑडी शोरूम है और साथ में वॉल्सवैगन का शोरूम है, वो मैं आपको दूर से अभी नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये जो यूके का जो शहर है, जो लॉस्टॉफ है, काफ़ी खूबसूरत समुंदर के किनारे बसा हुआ एक शहर है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोड्स हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छा ये नज़ारा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, यूके में अगर आप हैं और एक कार खरीदना चाहते हैं तो आप यूज्ड कार बेहिचक खरीद सकते हैं। उसका सारा हिस्ट्री निकाल करके आप खरीद सकते हैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड कार्स, जैसे कि ऑडी हुआ, मर्सिडीज बेंस हुआ और BMW हुआ, इस तरह के जो कार है आपको अच्छे दामों में मिल जाएंगे। और यहाँ पर टैक्स रेट्स भी इन दाम कम है, इसीलिए यहाँ पर अक्सर लोग जो है वो हम देखते हैं कि ब्रांडेड कार्स ही वो लोग यहाँ पर चलाते हैं और यहाँ पर लोग ब्रांडेड कार्स खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियोस को आप इसी तरह देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। आपका प्यार और सहयोग इसी तरह मुझे मिलते रहे। सबको बाय बाय।